नहीं आता था? VDC यानी कि विलेज डिफेंस कमेटी, जब जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी पीक पर थी तब इन लोगों को हथियार दिए गए। वो हथियार इसलिए दिए गए ताकि ये अपने गांव की सुरक्षा कर सके आतंकवादियों के साथ। लेकिन यही लोग आज तनख्वाह को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धरने प्रदर्शन की क्यों नौबत आ गई है, इन्हीं से हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मोरराज। मोरराज जी, कितना समय हो गया आपको VDC में? सर कोई 18 साल हो गया। 18 साल? हाँ सर। अच्छा, कितने महीने से आपको तनख्वाह नहीं मिली है? हमें तो मिली नहीं है शुरुआत से ही। शुरुआत से तो जो 96 में बनी थी उनमें भी 3 मेंबरों को मिल रही थी, वो भी अब शायद बंद ही कर दी है। किसी को मिलती है तो बीच में अब किसी को नहीं दे रहे। क्यों ऐसा क्यों, आपने पूछा नहीं कि क्यों ऐसा क्यों है? बोल रहे हैं वो 3 जो SPO थे उनको ही किया था गवर्नमेंट ने, बाकी वालों को कुछ नहीं। जो 96 वाली वो कमेटियाँ थी, तो जो 98 वाली है उनमें किसी को नहीं मिल रही आज तक। बिल्कुल कोई इसकी मतलब बात ही नहीं उठाता कि भाई ये किस लिए बनाई है। हम आगे पीछे भी नहीं जा सकते हैं हथियार छोड़ के, कहीं काम पे नहीं जा सकते हैं, नहीं कहीं आगे पीछे। बड़ी मुसीबत है हमारे पे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम स्वामीराज है सर। स्वामीराज जी, हाँ, कितने समय से हैं VDC में? हमें 2001 जुलाई में हमने गन उठाई है। 19 साल 19 साल हो गए। तो सर उसके बाद आज तक ना हमें कोई सैलरी दी गई है। जब भी हमने इसके लिए रिक्वेस्ट की है तो आश्वासन दिया गया कि मिलेगी, तो हमने वो देखी नहीं। अभी हमारे इतनी मजबूरी हो गई है सर कि हम बच्चे जो अपने हैं बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, ना बच्चों के लिए बूट वर्दी खरीद सकते हैं, क्योंकि गन पकड़ के बैठे हैं। अगर गन छोड़ें तो हमें भी डर लगता है, पहाड़ी एरिया है, तो हम ना गन छोड़ने के लिए हैं ना पकड़ के रखने के लिए हैं सर। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे VDCs के बारे में गवर्नमेंट सोचे। हमने पहले भी ये मतलब गवर्नमेंट से बात की है, जब भी इलेक्शन हुए हमने उसमें भी ये बात रखी कि हमारी VDCs के बारे में। और वहाँ पे क्या हुआ कि वाहिद SPOs को तनख्वाह मिली, बाद में गवर्नमेंट ने ऐसा किया उसमें से 3 किस्म की VDCs हैं हमारे पास सर जी। एक VDC है अनपेड, जिसको कि मतलब शुरुआत से आज तक गन मिली है तो तनख्वाह कुछ नहीं है। एक VDC ऐसी है जिसमें 3 SPOs बनाए गए हैं, 3 के खाते में और 3 के खाते में तनख्वाह जाती है, बाकी मतलब मेम्बरों को नहीं मिल रही है। एक VDC ऐसी है उसको DDC बनाया गया है, वो देशाधार कमेटी है वो जी जी। तो जनाब उसको भी सैलरी नहीं मिल रही है। अगर हम अब उस चीज़ के लिए बोल रहे हैं तो कहते हैं कि कहीं उन्हें लिख के दिया है। जनाब तब ऐसा था, हमें अपनी आप बचानी, अपने माँ बेटियों और बहुओं की इज्जत बचानी और गाँव की इज्जत बचानी बहुत मुश्किल था। खाना हमें मतलब नसीब नहीं था, इस वजह से हम मजबूर होके हमने ये गन उठाई थी। और जनाब उसके बाद हमारे अब बच्चे बेरोज़गार हैं, हम खुद बेरोज़गार हैं और हम वो गन पकड़ के हैं, तो बाकी मजदूरी से भी हैं, मजदूरी भी हमारे पास नहीं है क्योंकि दूर हम मजदूरी करने जा नहीं सकते हैं गन पकड़ के, तो हम सिर्फ नरेगा की मजदूरी करते हैं जनाब। जो नरेगा का पैसा आता है वो कहीं किसी को भी मिलता है, बाकी आम नहीं। नरेगा की मजदूरी तो उसमें सर क्या होगा। आप आए सर, आगे आए, आप कुछ कह रहे थे, आए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लक्ष्मी राम। अच्छा, कितने साल से हैं आप? 24 साल से गन्ने पकड़ कर रहे हैं हम जी। ये विलेज डिफेंस कमेटी, हमें ये शक लगता है कि ऐसा है कि 8 आदमी की कमेटी है, 70,000 लोग किश्तवाड़ और डोडा और रामबन में हैं, VDC में 70,000 लोग हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट हमको खुद मरवा रही है। गवर्नमेंट हमको खुद मरवा रही है, 8 आदमी की कमेटी है, 3 को सैलरी देती है 18,000 और 5 फाके मर रहे हैं, उनके बच्चे बेघर हो गए हैं, उनके बच्चे अनपढ़ हैं, हम खुद लोग अनपढ़ रह गए। अगर मैंने भाई को पढ़ाना था, लड़के को पढ़ाना था, आर्मी हमें बुलाती है, पुलिस हमें बुलाती है, त्यौहार आता है वहाँ हम ड्यूटी देते हैं, हमें आपस में फ्रैक्शन हो गई है, हमारा भाईचारा खत्म हो गया, SPO के साथ हमें झगड़ा, 70,000 लोग आपस में मर जाएंगे अगर ये गवर्नमेंट फैसला नहीं करेगी। खर्चा कैसे चलता है घर का? कुछ नहीं, मजदूरी भी नहीं मिलती, हम फाके मार रहे हैं, हमारे बच्चे बिल्कुल अनपढ़ रह गए, लोगों के ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई MSc कर रहे हैं, जितने भी VDC पे लोग हैं वो बिल्कुल फाके मार रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम देवराज ठाकुर है। और एक इसमें एक और इशू है कि 2001 में जो एडिशनल कमेटीज़ बनाई गई थी उनको आज तक कोई सैलरी नहीं मिली है,
आठ के आठ लोग जो हैं उस एक कमेटी का प्रोसीजर था कि उसमें आठ मेंबरों को रखा जाता था, ठीक है। और जो 2001 से पहले बनी थी कमेटियां उनको तीन एसपीओज के खाते में आती थी, लेकिन कुछ ऐसी कमेटियां हैं जो 2001 से लेकर आज तक किसी को सैलरी नहीं मिली है, ठीक है सर। तो आप ये सोचिए कि आज यहाँ आने का, देखो आप खुद ही देख रहे हैं कितने जो गरीब लोग हैं यहाँ आए हुए हैं, इनका आने का देखो, जब इंसान का सब्र टूट जाता है तो वो किस तरह से आगे आकर। जी सर, आप मैं, मैं दलीप सिंह रावण से हूँ, एक VDC मेंबर हूँ। हमारी ये अर्ज है गवर्नमेंट से कि जो जम्मू डिवीज़न में VDC मेंबर है इनको 97 के ऊपर जितनी भी कमेटियाँ हैं किसी को पेड नहीं है, अनपेड हैं। 97 तक जो है उनको पेड है, तीन तीन मेंबरों को। उनके बाद जो भी कमेटी बनी है 1997 के ऊपर किसी को कोई पेड नहीं है। आपने कभी LG जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं जम्मू कश्मीर के, गरिचंद्र मुर्मू, उनसे मिलने की कोशिश नहीं की? आज ही आए हैं, हमें 19-20 साल हो गए, यानी 97 के बाद किसी भी मेंबर को कोई सैलरी नहीं मिल रही। सर, मेरा नाम कृष्ण लाल रामबन, तहसील रामबन, डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ मैं। 2001 से में हमने गन उठाई, उसके बाद हमें कोई सैलरी नहीं मिली और ना ही हमारा कुछ किसी ने बात सुनी, तो इसलिए हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमारा कुछ सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे, फैसला करे हमारा। तो यही रिक्वेस्ट है जनाब हमारी। शबीर अहमद सर, थोड़ी जगह से आप हैं आराम से बोल। 1998 से लेकर सर आपको भी सैलरी नहीं मिली? सैलरी मिल रही थी जनाब, इसमें आठ आदमियों की कमेटी है जी। और तो तीन SPOs हैं उनकी सैलरी है, जो मेंबर हैं पांच उनकी कोई भी सैलरी नहीं है। तो हम जनाब SP साहब के पास भी गए, वहाँ कहते हैं कि आपको भी देखेंगे क्या होगा, हम SPOs को लाइन में डाउन करेंगे, और वो लाइन डाउन कर दिए हम, ना घर के ना बाहर के। 1996 से लेकर मैंने बताया SP साहब को कि क्या अगर एक VDC SPOs है, उसको बच्चे भी हैं, बीवी सब कुछ है, उसकी सैलरी है, जो ये मेंबर है 1996 से लेकर, क्या हमने काम नहीं किया इसमें? तो इसी गन के वजह से 1996 1998 20 सितंबर सर मुझे इस टांग में फायर आया। दिखाएं, मैं चाहूँगा ये दिखाएं, देखिए ये कैसे हुआ था? ये 1998 में जनाब फायरिंग थी, मिलिटेंसी बहुत थी, और मुझे फायर आया है, उसमें मुझे कोई भी क्लेम नहीं मिला, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिला। मैं गरीब शख्स हूँ सर, बच्चे अनपढ़ रह गए, खुद ऐसा शक्ल है, भूखे प्यासे, कपड़े नहीं, कुछ भी नहीं है हम लोगों को। 1996 से लेकर हम दर बदर, हमारे बारे में कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं सोच रही है। तो ये चेहरे ये बयां कर रहे हैं कि हथियार तो इन्होंने उठाए, और वो हथियार उठाए थे अपने गाँव की सुरक्षा के लिए, वो ड्यूटी जो है वो इन्होंने बाखूबी निभाई है, लेकिन जो प्रशासन की ड्यूटी थी शायद वो प्रशासन भूल गया। हाल ही में आपको याद होगा तो एक डेलीगेशन VDC का SSP जम्मू से भी मिलने गया था, और जब वो डेलीगेशन वहाँ से SSP जम्मू यानी कि तेजेंद्र सिंह जमाल से मिलकर आया था वहाँ से, तो उनका कहना था कि SSP जम्मू द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि उनकी बातचीत को आगे तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन तब से लेकर अब तक का अगर हम बात करें तो उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे, और अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, यानी के यहाँ पर जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गरिशचंद्र मुर्मू है, अब उनसे ये बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये है कि जिन्होंने अपने गांव की रक्षा के लिए, अपने गांव के लोगों की रक्षा के लिए हथियार उठाए थे, क्या उनका हक नहीं है कि वो प्रशासन से तनख्वाह ले पाएं? आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट, कैमरामैन श्याम जी के साथ देव ठाकुर, जम्मू।